आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखें और आज हमारा विषय यह है, हम कैसे एक फलवंत मसीही जीवन को बिता सकते हैं। हम जानते हैं कि हम एक समय पाप में रहते थे, अंधेरे में रहते थे, लेकिन वहां पर प्रभु का प्रेम हम तक पहुंचा और हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और आज हम प्रभु के संतान हैं। तो इस बात को हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग किया है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या चाहता है, प्रभु ने हमें क्यों चुना, परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया, क्यों हमें अलग अलग जगह में नियुक्त किया है, उसके पीछे एक कारण है। आइए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15वीं अध्याय और 16वीं आयत को हम पढ़ें। वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहां पर इस आयत के पहले भाग में हम लोग ये देख सकते हैं, यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम अपने जीवन में फल लेकर आओ। तो आज हमारा जो विषय है कि हमारा जीवन कैसे फलवंत बन सकता है, तो हम कुछ कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान को लेकर जाना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम फल कहते हैं तब हमारे मन में एक पेड़ का दृश्य आता है। जब हम लोग फल कहते हैं तब हमें ये भी पता है कि सबसे पहले एक बीज है जो जमीन में बोया जाता है। वो बीज जब उग कर आता है एक छोटा पौधा बन जाता है और वो पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक पेड़ बन जाता है और उसके बाद उसमें फल उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारे मसीही जीवन में भी प्रभु का वो बीज अर्थात परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर वो कार्य करने लगता है, धीरे धीरे जब हम प्रभु के वचन में बढ़ने लगते हैं उसके बाद हमारा जीवन फलवंत बनने लगता है। इसका मतलब एक छोटा पौधा के अंदर फल उत्पन्न नहीं होता, वो पौधा को बड़ा होकर परिपक्व बनना है, मैच्योर बनना है, तब जाकर उसमें फल उत्पन्न होगा। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं तब हम लोग जो है परमेश्वर में मसीही जीवन में बहुत छोटे थे, बच्चे थे, शिशु थे। धीरे धीरे हमारे मसीही जीवन में बढ़ोतरी होना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमारे जीवन को बदलना है, प्रभु के उस आज्ञा के अनुसार हमें लेकर जाना है और उसके बाद जब हमारा जीवन परिपक्व बनने लगता है तब हमारे जीवन से फल उत्पन्न होने लगता है। तो मेरे प्रियो, फल कब उत्पन्न होता है? जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तुरंत फल उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं तब हमारा जीवन फलवंत बनने लगता है। दूसरी बात, जब हम पेड़ और फल के बारे में कहते हैं, वो पेड़ मजबूत रहता है जिस पेड़ का जड़ गहराई तक गया हो, वो पेड़ आसानी से गिरता नहीं है। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हम लोग मजबूत रहेंगे तब हमारे जीवन से फल उत्पन्न होगा, नहीं तो अलग अलग समस्या, अलग अलग परेशानियां, गलत शिक्षाएं, ये सारी बातों का जब हम सामना करेंगे तब हम गिर सकते हैं, विश्वास को छोड़कर हम पीछे हट सकते हैं। और ये नहीं होना है तो हमारे आत्मिक जीवन का जड़ को हमें पकड़े रहना है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है कलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पौलुस यहाँ पर 4 बातों को कहता है। पौलुस कहता है जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो। फिर तीसरी बात पौलुस कहता है, उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाओ। कौन बढ़ सकता है? जिनका जड़ गहराई तक गया हो और जिनका जड़ मजबूत हो। अब जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आत्मिक जीवन में हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है
उसके लिए हमें हर दिन वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन के मतलब को समझना पड़ेगा, हमारे जीवन में उसको अपनाना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप वचन को पढ़िए। वचन जो पढ़ते हैं, वचन के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनका जड़ बहुत मजबूत होगा और वो लोग आसानी से विश्वास से नहीं गिरेंगे। लेकिन जो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, सिर्फ संडे आराधना में जाते हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं, उनका जीवन जो है स्थिर नहीं रहेगा। अलग अलग समस्याओं का सामना करते समय वो लोग विश्वास से हट जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा जीवन फलवंत होना है तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर आज तक आपके जीवन में वो आदत नहीं था तो आज से आप शुरू कीजिए। हर दिन वचन को पढ़िए, वचन के बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको याद करें और उस समय पर प्रभु आपको मदद करेगा और आपका जो जड़ है वो वचन में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तीसरी बात हम देख सकते हैं, एक बीज में से जब एक पौधा उगता है और पौधे में से वो एक पेड़ बन जाता है, बहुत सारी बातों की ज़रूरत वहाँ पर होता है, जैसे पानी हो, खाद हो, सूरज का रोशनी हो, इस प्रकार अलग अलग बातें होना चाहिए ताकि वो पौधा बढ़कर एक अच्छा पेड़ बन जाए। अगर पानी, खाद या सूरज का प्रकाश उसे नहीं मिला तो वो उगकर आने वाला पौधा जो है सूख जाएगा और वो एक पेड़ में नहीं बदलेगा। जैसा एक पौधा को जरूरत है, वैसे ही आत्मिक जीवन में हमारे लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है और वो है प्रार्थना, आराधना, वचन, संगति, उपवास, विश्वास। ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक मसीही इंसान इन बातों से दूर रहते हैं, अगर एक इंसान कहता है मेरे अंदर विश्वास है, मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन संगति नहीं करता, आराधना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, तो वो सिर्फ नाम के लिए एक मसीह इंसान है, उसका जीवन फलवंत नहीं होगा। और हमने वचन में क्या सीखा था? प्रभु ने हमें इसलिए चुना, इसलिए नियुक्त किया ताकि हमारा जीवन फलवंत रहे, हम बहुत सारा फल लेकर आए। तो मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में ज़रूरी है प्रार्थना, ज़रूरी है वचन का ज्ञान, ज़रूरी है कि हम प्रभु की आराधना करें, उपवास करें, संगति करें। बहुत सारे लोग कुछ बातों को करते हैं और कुछ बातों को नहीं करते हैं, तो वो वैसे ही पौधा बन गया जिसको पानी मिलता है लेकिन सूरज की रोशनी नहीं मिलता, तो वहाँ पर वो बढ़ नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सारी बातों का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से लेकर हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु आत्मिक जीवन के लिए जो जो बातें ज़रूरी है, वो सारी बातों को करने के लिए आप हमें मदद करना। हम करना चाहते हैं प्रभु, आप हमें हेल्प करना, मदद करना, निश्चय प्रभु आपको मदद करेगा और आपका आत्मिक जीवन बढ़ने लगेगा। चौथी बात हम ये देख सकते हैं कि वही डाली में फल उत्पन्न होता है जो डाली पेड़ के साथ जुड़ा हो। अगर एक डाली को काट डाला जाए और वो जमीन पर पड़ा है, क्या उस डाली में कभी फल उत्पन्न हो सकता है? हम सब जानते हैं वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। एक आयत में आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय और उसकी 4वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, अगर तुम्हारा जीवन फलवंत होना है करके तुम चाहते हो तो जरूरी है कि यीशु के साथ साथ बने रहे। जो कुछ आप करते हो इस मनसा के साथ आप कीजिए कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा वहां पर होना है। जो कुछ आप करते हैं इस मनसा के साथ भी करना कि परमेश्वर मुझे देखता है, मैं प्रभु के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त जब हम संगति में होते हैं, जब हम आराधना करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तब हमारा चरित्र बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम वहां से निकलकर हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं या हमारे फैमिली के साथ हम समय बिताते हैं या हम ड्यूटी जाते हैं, क्या हमारा स्वभाव वैसे ही है या हम बदल जाते हैं? क्या हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है? क्या हम दोस्तों के साथ रहते हैं तब उनके साथ साथ उनके जैसे हम बात करते हैं, सांसारिक बातें हमारे मुंह से निकलता है तो हम प्रभु के साथ साथ बने नहीं हैं।
प्रभु के साथ साथ बने रहने का मतलब जीवन का हर पल में प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रथम स्थान देना। चाहे आप आराधना में हो, चाहे आप कोई काम करते हो, चाहे आप अकेले घर में हो, चाहे आप अकेले मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, हर समय में आप प्रभु को पहला स्थान दोगे तब आपका जीवन फलवंत होगा। अगर आप प्रभु से दूर रहोगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हो, परमेश्वर को स्थान नहीं देते हो, आपकी मर्जी के अनुसार आप अपना जीवन बिताते हो, तब आपका जीवन में कोई भी फल उत्पन्न नहीं होगा। पांचवी बात हम देख सकते हैं, जब एक पेड़ में बहुत सारे फल है तब वो फल कौन इस्तेमाल करता है? क्या पेड़ अपना स्वयं का फल खा लेता है? ऐसे तो हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग आकर फल को तोड़कर उसको खा लेते हैं और वो लोग आशीषित होते हैं। तब मेरे और आपका जीवन, जब हम कहते हैं कि मसीही जीवन फलवंत होना है, उसका मतलब यह है कि हमें हमारा जीवन कभी भी स्वार्थी नहीं होना है। कभी भी हम अपने लिए ना जिए, लेकिन हम दूसरों के लिए जिए। हम ये सोचे कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे कैसे आशीषित होंगे। आपको सोचना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं, आपका टैलेंट किस में है। अगर आप सिलाई कर सकते हैं तो आप कुछ कपड़े सिलाकर जो है गरीब लोगों को बांट सकते हैं। नहीं, आपका टैलेंट टेक्नोलॉजी में है तो आप उस एरिया को इस्तेमाल कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आपका टैलेंट जिस कहीं एरिया में है आपको उसको यूज करना है ताकि दूसरे लोग आशीषित होना है, दूसरे लोग ब्लेस्ड होना है। अगर नहीं है तो हमारा जीवन स्वार्थी बन जाता है। तो फलवंत मसीही जीवन का मतलब यह है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ना जीऊं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरा नाम हर जगह छप जाए। वो मेरा मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं प्रभु में बढ़ रही हूं वैसे ही साथ में दूसरे लोग मेरे जीवन के द्वारा आशीष पाना है। छठवीं बात, एक पेड़ और फल के बारे में जब हम देखते हैं, हम इस प्रकार देख सकते हैं, जो डाली में फल होता है वो डाली हमेशा झुका रहता है, वो हवा के साथ साथ ऊपर उड़ते नहीं रहता है। बोलने का तात्पर्य यह है, मसीही जीवन में हमें घमंड से कभी भी उछलना नहीं चाहिए। अगर मेरा और आपका जीवन फलवंत होना है, अगर फल है, तो हम लोग हमेशा झुके रहना चाहिए। मतलब हमारे अंदर दीनता होना, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है, तब जो है हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, कभी भी प्रभु उनको मदद नहीं करेगा। लेकिन जो लोग दीन है, नम्र है और जो प्रभु के नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर जरूर उनकी बातों को सुनता है, उनकी मदद करता है और उनको उठाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीही जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हमें दीन होना है, नम्र होना है, हर बात में यही चाहना है कि परमेश्वर आप मुझ में बढ़े और मैं घटूं, आपकी महिमा सदा सर्वदा मेरे जीवन से होता रहे। पेड़ और फल के बारे में सीख रहे हैं, सातवीं बात हम ये भी सीख सकते हैं, जब पेड़ में फल बहुत सारा होता है तब हम ये देखते हैं कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर भी मारते हैं ताकि वो फल नीचे गिर जाए। बिना फल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता है। क्या मतलब है? आत्मिक जीवन में जब आप दीन होकर, नम्र होकर फलवंत जीवन बिताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, आप पर झूठा आरोप लगाएंगे, आपके बारे में गलत बातों को फैलाएंगे। लेकिन याद रखना है, जिस पेड़ पर फल है उसी पेड़ पर पत्थर मारा जाएगा। तो मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह के जीवन को देखना है। लोगों ने कितनी झूठी बातें यीशु के बारे में कहा और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु के बच्चे हैं। लोग परेशान करेंगे, हो सकता है हमें सताव से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर के नाम की महिमा होना है, और इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि हमारा जीवन फलवंत बन रहा है। अगली बात जो हम लोग फल के बारे में देख सकते हैं वो ये है, मान लो किसान ने एक आम का बीज को बोया था और वो उगकर एक आम का पेड़ बन गया, लेकिन अगर उस पेड़ में कोई आम नहीं आया तो क्या उस पेड़ से कोई फायदा है उस किसान के लिए?
कोई फायदा नहीं है। किसान ने जब वो बीज को बोया, एक मकसद के साथ बोया कि बहुत सारे आम यहाँ से निकलेगा। उसी समान जब प्रभु ने हम सबको चुना है और हमें नियुक्त किया है, एक मकसद के साथ रखा है, और क्या है वो मकसद? कि हमारा जीवन फलवंत बने। और अगर हमारा जीवन में फल उत्पन्न ना हो तो प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये फलवंत जीवन ये फल का क्या मतलब है। गलातियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय 22 और 23 आयत में हम आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं, और वो वहां पे हम 9 बातों को देखते हैं, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। ये 9 बातें एक मसीही इंसान के जीवन में होना बहुत जरूरी है, और इसे कहते हैं आत्मा का फल। फल कब उत्पन्न होगा? जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन के अंदर और द्वारा हो, तब ये फल मेरे जीवन से दिखाई देगा। तो आज हम लोग चेक करें, क्या ये सारी बताया हुआ फल हमारे जीवन में है? क्या प्रेम है? क्या शांति है? देखिए, बहुत से वक्त हम कहते हैं कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। ये आत्मा का फल है, ये एक फल है। 9 बातें उसमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग एक संतरा को खोलते हैं तो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही आत्मा का फल अलग अलग बातों से बना हुआ है। तो ये 9 बातें मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग चेक करेंगे, आप लोग समय निकाल कर इस आयत को पढ़ लीजिएगा और सोचिए, क्या मेरे अंदर प्रेम है? क्या मैं सबसे प्रेम करता हूँ? क्या मेरे अंदर आनंद है? क्या मेरे अंदर शांति? ऐसे एक एक बातों को लेकर हमें चेक करना है, और हमारा मन गवाही देगा क्या हमारे अंदर है या नहीं है। अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात, प्रभु आपको और आगे बढ़ाए, और अगर नहीं है तो समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जीवन फलवंत जीवन होने पाए, दूसरे आशीषित होने पाए, आपकी महिमा मेरे जीवन के अंदर हमेशा होने पाए कर आप प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काटा और आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन फलवंत नहीं बनेगा तब हमारा अंत भी ऐसे ही होगा। क्यों ना आज से लेकर हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जीवन फलवंत बना रहे, हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, प्रभु आपकी मकसद हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाए। एक क्षण में आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद। आज का वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को आपके हाथ में हम समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस वचन को वो लोग अपना कर इस वचन के अनुसार फलवंत जीवन बिताने के लिए आप हरेक को हेल्प करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी इनका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, आपका मकसद इनके जीवन के द्वारा पूरा होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।